क्योंकि बीच में मेरे फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इसके लिए मैं थोड़ी देर तक, थोड़ी नहीं, ऑलमोस्ट एक महीना तक मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, तो इसलिए थोड़ी देर तक मेरी वीडियो नहीं आई थी। लेकिन आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है वीडियो डालने के लिए, तो मैंने सोचा अगर ड्राइंग बनाऊंगा तो मुझे और 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट में एक ड्राइंग भी नहीं बनती है, तो कम से कम 1-2 दिन लगते ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के वीडियो में मैंने सोचा कि हम बहुत टाइम के बाद हमारा ड्राइंग कलेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से डाला भी नहीं था ये, तो इसलिए तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने पूरी स्टार्टिंग से बुक्स ली है और आधे आप देख ही चुके हो ऐसे, तो ऐसे मत बोलना कि कम ड्राइंग है, उससे पहले भी मैंने एक बना रखी है और उससे भी ज़्यादा थे, लेकिन वो बेड के इधर है ना, बेड के नीचे है, तो इसलिए तो जल्दी उसे भी मैं निकाल लूँगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने बिछा दिए है मेरे सारे ड्राइंग्स, तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरी ये ड्राइंग बुक सबसे पहली, और इससे भी पहले सबसे पहले थी, तो उससे भी पहले थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये है सबसे, मतलब ये पहले दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद ये थी मेरी ड्राइंग बुक, फिर ये लेटेस्ट, जिसके मैंने इसमें से थोड़े से वीडियो नहीं बनाए वो सब दिखाऊंगा, और जिसके वीडियो भी बनाए मतलब सारे ही आर्टवर्क दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, और ये रहा कुछ ड्रॉ, और तो शुरू करते हैं सबसे पहली ड्राइंग के साथ। तो सबसे पहली ड्राइंग है यहाँ पे फेल आर्टवर्क। मेरे फेल आर्टवर्क इतने ज़्यादा हैं ना, मतलब क्या ही बोलूँ, अभी नहीं जाते उतने क्योंकि अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। तो ये देख सकते हैं आप, लोकी का ड्राइंग बना रहा था मैं, तो ये थोड़ा सा फेल हो गया था, मेरे शेडिंग स्मूथली नहीं हुई थी और आईज प्रोपोर्शंस पूरे बराबर नहीं आए थे, अभी भी नहीं आते उतने अच्छे, लेकिन ठीक ठाक होते हैं, मतलब दिखते ही अच्छे ड्राइंग। और यहाँ पे आ चुकी है ड्राइंग, इसकी मैंने वीडियो डाली थी, बिल्कुल डाली थी इसकी मैंने वीडियो, और उतनी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग बनाई नहीं है। और मैं थोड़ी सी आपको लाइट हटा के दिखाऊंगा ना, तो ये देखो थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही होगी, ये देखो देखो मैंने क्या किया, ये मैंने ना फालतू के डॉट्स लगा दिए थे, और तो ठीक ही है, मतलब ड्राइंग अच्छी दिख रही है। तो ये थी मेरी कुछ ड्राइंग, और उसके बाद देखे ड्राइंग है खाबी लैम का, इसकी मैं मैंने वीडियो डाली थी। इस वक्त मेरे पास मास्किंग टेप नहीं थी, मैं ऐसे स्केल लेता था और लाइन कर देता था इस तरह से, तो ये और शेडिंग के वक्त ऐसे स्केल पर रखते थे और ऐसे करता था ये कुछ। नेक्स्ट है हमारे सबसे फेवरेट यूट्यूबर्स, जिसको मैं भी जानता हूँ और मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, आप पहचान चुके होंगे मिथ पैट, और ये कुछ है, इसके मैं वीडियो अपलोड करी थी। तो ये कुछ है ड्राइंग, और नेक्स्ट है MS धोनी, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, ये कुछ ड्राइंग है। दाल का शेप देखो गाइस, मतलब इतनी कितनी शेपिंग है, मतलब इसमें ऐसे 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 जो होता है ना ऐसे, ये देखो ऐसे, ये मैंने ऐसे ही नहीं लगाया नहीं है, मतलब फेक डाली लग रही है पूरी। अभी ड्रॉ करूँगा तो रियल दिखेगी ऐसे ऐसे। और ये है मेरी सबसे फेवरेट ड्राइंग माँ दुर्गा की, ये ठीक ठाक बन चुकी थी, अच्छी सी थी मतलब, तो ये मैंने बनाया था नवरात्रि के वक्त और दिवाली के आसपास से बनाया था मैंने, मतलब पता नहीं मुझे मैंने कब बनाया था, लेकिन हाँ बनाया था। कोई सेंस है इस बात की? तो ये कुछ है ड्राइंग, और नेक्स्ट है हमारे
हमारी साईं बाबा की ड्राइंग, ये मैंने रैंडमली बना दी थी, मतलब ऐसे ही, मतलब क्या ही करे, ऐसे ही बना दी थी मैंने ये। इसकी वीडियो अपलोड मैंने की थी, जिसकी थी चैडविक बोसमैन की, मैंने हाँ बिल्कुल डाली थी एल्बम लकलिन की। और उसके बाद है हमारी ये जो कि है स्क्विड गेम की, और स्क्विड गेम का फ्रंटमैन का ड्राइंग, इसकी वीडियो अपलोड की थी मैंने। वल्टर वाइट जो कि मैंने ड्रॉ किया था अभी भी लेटेस्ट में, वो फ़र्क देख लेना आप ऐसे। तो ये है ड्राइंग, कुछ बिल्कुल भी हाइपर रियलिस्टिक नहीं लग रही है। मैंने इस पर टाइटल में रख दिया था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रही है ये। और पेजेस भी मैटर करते हैं, मतलब ये देखो, ये अगर मैं उसको जूम करके दिखाऊँ ना लाइट हटा के, थोड़ा सा टेक्सचर दिख रहा होगा आपको। ऐसे अगर पेपर होते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से शेडिंग नहीं हो पाती है। और अच्छा हमको सिखा रही है, ऐसे स्मूथ पेपर्स होते हैं ना, जैसे कि मैं अगली ड्राइंग में दिखाऊंगा आपको किस तरह से स्मूथ पेपर्स होते हैं। ये है आयरन मैन की ड्राइंग, फेल आर्टवर्क, तो ये है असली, असली मतलब असली होते हैं ना, ये क्या बोल रहा हूँ। ये कुछ मेरी आयरन मैन की ड्राइंग थी, मुझे लगा कि ये मैंने फेस थोड़ा सा वो बना दिया, मतलब मोटा सा बना दिया फेस मैंने। ये मैंने ड्रॉ किया था, इसकी वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन लेटेस्ट वाली में की थी। अरे मैं उल्टा चला जा रहा हूँ। और ये ड्राइंग हमारी बाहुबली की, जो कि मतलब बढ़िया ही थी, मतलब ठीक सा की थी। एंड नेक्स्ट है हमारी सूर्यवंशी की ड्राइंग, तो अच्छी ड्राइंग थी ये। और ये भी रफ पेज ही था मेरा, ये पेज में मेरे रफ ही थे, ये देखो टेक्सचर दिख रहा है आपको। इस पर ना डार्क पेंसिल से ना, मतलब शेडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये कुछ है सूर्यवंशी की ड्राइंग, MS धोनी की ड्राइंग। और यहाँ से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बाल एकदम से क्यों ब्राउन हो गए, और यहाँ पे क्या कलर किया है मैंने, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक ही था। मतलब उस टाइम पे मुझे लगा कि क्या ड्राइंग है, सबसे बेस्ट ड्राइंग, लेकिन अभी लगता है क्या बना दिया ये मैंने। कलरिंग अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वाइट वाइट जगह पे रह गया है, ये देखो वाइट वाइट ले गया है। तो इसलिए बीबीके वाइंस इसकी वीडियो मैंने अपलोड करी थी, बढ़िया थी इसकी वीडियो भी। तो ये कुछ मेरी इसमें से ड्राइंग थी, इसमें कुछ इतनी ड्राइंग थी, इतने कुछ मेरे ड्राइंग्स इस बुक पे। तो अब दूसरी हमारी सेकंड ड्राइंग बुक, तो स्टार्ट करते। और शेडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हुई है इसमें। तो ये कुछ है ड्राइंग एक, और ये कुछ है शेडिंग अच्छे से नहीं हुई है कुछ भी। तो नेक्स्ट गैस कर सकते हैं ये कौन सी ड्राइंग है, आधे लोगों ने गैस कर लिया होगा, और उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये है कैरी मिनाटी, और उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये। और शेडिंग में शेडिंग की बात करें तो शेडिंग लग भी नहीं रही है, की है कि भी नहीं की है। और बटर पेपर वाली है ये वाली ड्राइंग, मतलब बटर पेपर है इसमें ड्राइंग बुक में। तो नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। वो देखा है उसकी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, इसकी करी थी PewDiePie की। इसको लाइट हटाता हूँ मैं, थोड़ी सी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये देखो शेडिंग अच्छे से हुई है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग थी ये वाली। मैं थोड़ी सी लाइट को कम ही कर देता हूँ ना, अच्छा तो कम कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा। हाँ फिर भी कोई फ़र्क दिख तो ना ही रहा होगा। तो ये कुछ हमारी ड्राइंग थी, फेक फेक ही लग रही है ये भी ड्राइंग, रियलिस्टिक इसमें से कोई लुक नहीं आ रहा है। और ये कुछ थी ड्राइंग। और नेक्स्ट ड्राइंग देखें तो ये है मेरे भाई की, जो कि उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और तब मुझे ड्राइंग करना इतना भी नहीं आता था, इसके लिए ऐसी ड्राइंग बनाता था मैं। तो नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं अब। नेक्स्ट ड्राइंग है कार्तिक आर्यन की,
तो कुछ एयर ड्राइंग है और शेडिंग इसमें थोड़ी थोड़ी लग रही है कि की हुई है, नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने उसमें शेडिंग भी की है कि नहीं की है। तो नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। तो ये मैं खुद को बनाना चाहता था साइड फेस, लेकिन हुआ ही नहीं मेरे से बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल भी मतलब मेरा सबसे घटिया आर्टवर्क आज तक का। तो नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट है अक्षय कुमार का, बहुत पहले का भी नहीं था। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अरे कहना क्या चाहते हो। तो ये था 2021 का ही, और ये साइड फेस मैंने बनाया था और अक्षय कुमार जैसे तो लग भी नहीं रहा। और नेक्स्ट है स्पाइडरमैन की, जो कि मुझे पसंद नहीं आई थी और कलरिंग भी अच्छे से नहीं हुई है मेरी इसमें। ब्लेंडिंग खास करके देखे ना, तो जो ब्लेंडिंग एक तरह से होती है ना वो कलर्स में, वो नहीं हुई है वहाँ पे। नेक्स्ट ड्राइंग देखे तो नेक्स्ट ड्राइंग है थैनोस की, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे लिया क्योंकि ड्राइंग ही नहीं थी, मतलब फेल ही थे। तो मैं फेल क्यों दिखा, उससे ड्राइंग ही दिखा दूँ ना तो आप बोल जाओगे उसमें। तो ये थी थैनोस की ड्राइंग, इसकी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनी थी ये वाली। एंड फेल ड्राइंग, फेल एंड कैप्टन अमेरिका की ड्राइंग की है। एंड नेक्स्ट देखे तो कैरी मिनाटी की, ये भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो और है क्या इसमें ड्राइंग्स, हाँ है विल स्मिथ, इसमें शेडिंग बढ़िया हुई थी, इसमें शेडिंग देखे ना तो एक तरह से बढ़िया ही हुई थी इसमें। देखो लाइट दो थोड़ी सी, देखो शेडिंग थोड़ी सी बढ़िया हुई थी। और नेक्स्ट है फुकरा इंसान, तो ये कुछ ड्राइंग है, फ्लाई है का उनका सॉन्ग आया था उसका, और ये है मोदी जी, और ये भी खास नहीं था, मतलब इतना अच्छा नहीं बनाया था ये भी मैंने। नेक्स्ट है आयरन मैन, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और ये कुछ ड्राइंग था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनी थी, और कुछ और नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फेल आर्टवर्क ही थे। तो ये ड्राइंग बुक भी हमारी ख़त्म होती है, नेक्स्ट ड्राइंग बुक लाते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग बुक की जो ड्राइंग है वो ये वाली है, और ये कुछ ड्राइंग थी इयान मॉर्गन, ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये मॉर्गन है ना, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये है फ्रीमैन मॉर्गन की ड्राइंग, जो कि बिल्कुल फ्रीमैन मॉर्गन जैसी लग रही है, लेकिन शेडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये कुछ हमारी ड्राइंग है, और नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बिल्कुल है नेकलॉस पूरा, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्रिकेटर्स का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं। ये है, अरे नाम याद था, याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो था इनका याद नहीं आ रहा मुझे, कमेंट्स में बताना अगर आपको ये पता है तो, फुटबॉलर जैसे ही कुछ है। नेक्स्ट है रणवीर सिंह के बियर्ड से, मैंने रात को रैंडम नहीं बनाया था ड्राइंग का, मन हुआ बना दो। नेक्स्ट है शिवाजी महाराज, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड करी थी, बढ़िया थी ये ड्राइंग, और टीकी ढाक थी कपूर, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ये मैंने कैसे ड्राइंग बनाई, मैं खुद हंसता हूँ मैंने ड्राइंग्स पे कि मैंने ये क्या बना, क्या दिया ये मैंने। एंड नेक्स्ट है हमारे ड्राइंग एक और, जो कि है हाइपर रियलिस्टिक, और ये भी हाइपर रियलिस्टिक जैसे थोड़ी सी लग रही है, और बढ़िया ही थी। और अगर मैं इसको अभी ड्रॉ करूँगा ना तो ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक आएगी ड्राइंग, और मेरे फेस ना बिल्कुल छोटे होते थे, ये देखो कितना छोटा सा है फेस। तो अभी तो मैं थोड़े से बड़े बनाता हूँ, अरे पीछे क्यों चला जा रहा हूँ मैं। ड्राइंग देखे तो नेक्स्ट ड्राइंग है ये रही शेडिंग करके जोकर की ड्राइंग, और मास्क जो होता है उसकी ड्राइंग, और शेडिंग से ही पूरी ड्राइंग की है यहाँ पे मैंने। ये लाइट आ रही है ना, इसके लिए
ब्राइट दिख रही हूँ। सारे काम करता हूँ, निकाल लेता हूँ। चारकोल पाउडर से किए थे मैंने ये आर्टवर्क्स, तो साइड पे रखते हैं सबसे पहले इसको आर्टवर्क्स को, और सबसे पहले से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, हाथ खराब होने वाले बहुत, सबसे पहला है टाइगर आर्टवर्क। कफ कफ कफ, मुझे बोले नहीं जा रहा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आर्टवर्क था ये वाला, मेरे ख्याल से तो बढ़िया ही था। मतलब एक तरह से बात करें ना, तो ये मैंने ड्रॉ किया था। अभी मैं स्विच हो चुका हूँ गाइस, मैं अभी बनाता हूँ ग्रेफाइट से ही। तो नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं अब राजा हाथ में। नेक्स्ट ड्राइंग है यहाँ पे, अरे हाथ में ही नहीं आ रही यार। तो नेक्स्ट है हमारी ये आयरन मैन की, तो इसे भी साइड में रखते हैं। ये सारे बढ़िया आर्टवर्क्स है, मैं जो दिखा रहा हूँ ना अभी, सारे बढ़िया है। नेक्स्ट है अलादीन का चिराग वाला जीन को ड्रा किया था मेरे और मैंने भाई ने, कपिल मेरे भाई का नाम है, उसका साइन और यहाँ पे मेरी साइन, दोनों की साइन दी थी। क्योंकि इस साइड उसने ड्रा किया था, इस साइड मैंने ड्रा किया था, मतलब डिफरेंस दिख रहा होगा। ये जो लाइटली दिख रहा है ना, वहाँ तक मैंने ड्रा किया था और इतना पार्ट उसने ड्रा किया था। तो ये कुछ है, और नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। तो वो है वाटर कलर से मेरी वाटर कलर ड्राइंग रिवील होगी। ये है वियर्ड फेस ड्राइंग वाटर कलर से, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट है क्या था, सुभाष चंद्र बोस इनका नाम था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग थी ये। ये क्लोज बढ़िया बने थे मैंने। नेक्स्ट देखें तो ड्राइंग थी पुष्पा राज ये, और काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लग रही थी ये दया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया आर्टवर्क था, और बढ़िया ही था मतलब। तो नेक्स्ट ड्राइंग देखे तो ड्राइंग प्रोफेसर की, जो कि मेरी सबसे बेस्ट ड्राइंग थी। इसकी लुक देखो भाई, सबसे पहले तो आपके अंदर घुसा दूंगा। ये कुछ है ड्राइंग, देख सकते हो आप, इससे भी मैं साइड में रखता हूँ। ये मेरी पाउडर से सबसे फर्स्ट ड्राइंग, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी ये थॉर की। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लता मंगेशकर। ये कुछ है लता मंगेशकर के क्रॉस हैचिंग टेक्निक से। एंड नेक्स्ट है ये ड्राइंग, जो कि है मेरी दादी की ड्राइंग। ये है दादी की ड्राइंग, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड गुड ड्राइंग। तो इसे भी साइड में रखते हैं। एंड नेक्स्ट दो नानी, दो छोटी साइज की है। ये है आई, जिसकी मैंने हाइपर स्टिक वीडियो डाली 4 मिनट की, मेरी सबसे लॉन्ग वीडियो थी वो उस वक्त। ये थी, इस ड्राइंग का नाम नहीं पता ये, लेकिन मैं, मुझे सुंदर लगी थोड़ी सी तो मैंने बना दी, सुंदर थी तो। तो कमेंट्स करके बतानी है कैसी थी। एंड नेक्स्ट जो है वो है वॉल्टर वाइट की ड्राइंग, को की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनी थी हमारी, सबसे हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग थी ये। बिली एलिश की ड्राइंग थी ये, इसकी वीडियो मैंने नहीं की थी, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, मतलब सबसे स्मूथ स्टैचू। ये है पप्पी लारी हमारी लास्ट ड्राइंग कल ऑयल पेस्टल से। तो ये थे कुछ हमारी ड्राइंग्स, और मैं मेरी तरफ कर लेता हूँ कैमरे को। ये थे कुछ हमारी ड्राइंग्स, अगर ये ड्राइंग आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।